हेलो नमस्कार प्रणाम, आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है प्रोमैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा पार्ट जो कि काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और नोट करते रहें। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व किया जाएगा और समझाया जाएगा, तो आप लोग समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, बी 90 डिग्री है एंड एबी रेशियो बीसी 2:1। द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉट सी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब जानते भी होंगे, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने में क्या जाता है, उससे पहले एक मैं आप लोगों को ट्रिपलेट लिखवा देता हूं। ट्रिपलेट इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, जैसे 3, 4, 5 ये परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ, कोई कंपल्सरी नहीं है, बेस भी हो सकता है परपेंडिकुलर भी हो सकता है, लेकिन ये हाइपोटेनस कंपल्सरी है होगा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है और बेस से हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर देन होता है। चलिए कुछ और लिखवा देते हैं। 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 5, 17, 9, 40, 41 यहाँ हो जाएगा 11, 60, 60, 61, 12, 35, 36। याद आप लोग कर लीजिएगा तो काफी बेनिफिट होगा। तो आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में यूज होते ही है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे, आपको ज्योमेट्री में यूज होंगे, तो आप याद कर लेंगे तो कुछ ज्यादा ही बेनिफिट होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सब राइट ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल है। जैसे कि आपको मैं बता दें यहाँ पे 3, 4 इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25 का 5 आ जाता है जब रूट तोड़ेंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे और याद कर लीजिएगा। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ इन सबको, उसके बाद मैं आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। यार दिल्ली में बहुत ठंडी पड़ रही है अभी, तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री है, बी ए बी, ए बी कितने दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, यहाँ से देख लीजिए बी सी 1, तो हमको ये फाइंड करना है, तो फाइंड कैसे करेंगे, 4+1√5, ए सी 5 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि साइन ए और कॉट सी, ये एंगल पूछ रहा है और ई एंगल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए का कॉट सी है, जो एंगल दिया रहेगा वही एंगल आप निकालिए, तो साइन ए प्लस कॉट सी। अब इसके लिए मैंने बताया ही था, तो आप लोग देखिए परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूस 2/√5 प्लस कॉट के लिए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/2, इन सबके एलसीएम आ जाएगा आपको 2√5। अब यहां से इसको डिवाइड करेंगे और तो डिवाइड करेंगे तो 4 और ये जगह 2 से डिवाइड करेंगे तो √5। एक मिनट, 2√5 ये 4 √5 ये तो हो रहा है,
यार मैंने गलत कर रहा था। देखिए यहाँ पे साइन ए के लिए हमने लिखा वन अपॉन रूट फाइव, यहाँ पे साइन अपॉन ए इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया तो वन अपॉन रूट फाइव प्लस कॉट सी के लिए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन रूट टू, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे टू अपॉन रूट फाइव और यहाँ से हो जाएगा टू और ये हो जाएगा रूट फाइव। देखिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन टू मैच कर रहा है। ऐसे हम स्टार्टिंग मैंने साइंस सी ले लिया था और कॉट सी ले लिया था इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कॉस थीटा थ्री अपॉन फाइव, तो बताना है इनका वैल्यू मल्टीप्लाई में है साइन थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा। तो यहाँ से ट्रिपलेट जैसे कि मैंने बताया ही है तो फाइव है ये बेस थ्री है ये फोर फोर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन के लिए निकालना है थीटा हो गया तो फोर अपॉन फाइव इंटू सेक के लिए रिवर्स और टेन के लिए हो जाएगा फोर अपॉन थ्री, फाइव से फाइव कट जाएगा फोर फोर से फोर नहीं कटेगा, सोलह अपॉन सिक्सटी अपॉन नाइन जो भी ऑप्शन यहाँ टू पे है। काफी इजी क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए 2014 में पूछा गया है सीजीएल टायर वन में पूछा गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बहुत तुफम खान वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि मैं आऊं और खतरनाक से क्वेश्चन लेके आ जाऊं, मैं कहां से लेके आऊंगा। और जो ही बताता है कि ये खतरनाक सा क्वेश्चन कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार लग जाएगा, खतरनाक क्वेश्चन करने से कभी बेड़ा पार नहीं होता है, प्रीवियस ईयर करने से बेड़ा पार होता है, क्योंकि वो जो प्रीवियस ईयर सेट करता है वो नहीं जानता है कि लड़का किस मास्टर से पढ़ा है क्या पढ़ा है कुछ नहीं जानता है। वो जानता है गांव से पढ़ा होगा, साधारण सा क्वेश्चन है, टेंथ लेवल का क्वेश्चन है, उसको पीएचडी नहीं कराना है तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है और वही देता है। तो इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे 24/7 टेन हो जाएगा, टेन थीटा 24/7 काफी इजी क्वेश्चन रहता है। तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रहेगा तो आपको हाइपोटेनस मालूम चल जाएगा 25 होता है, नहीं तो आपको निकाल के दिखाना दिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ ट्रेंगल बनाना पड़ेगा, ट्रेंगल हो जाएगा 25/7 24/7 25। ट्रिपलेट याद रख दी जी में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको बताना क्या है कि 40 tan theta - 75 cos alpha theta, अल्फा को थीटा ही मान लिए हम, और 7 से थीटा। तो यहाँ पे देखिए 40 tan अल्फा के लिए हम क्या लिखेंगे, tan अल्फा तो निकाल ही दिए थे 24/7 75 इंटू कॉस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा है तो 7/25 कॉस के लिए, कॉस के लिए देखिए यहाँ पे कॉस के लिए इसका रिवर्स लिखा जाता है तो 25/7 कट गया 25 से 3 टाइम कटेगा और एक 2 टाइम कटेगा, 24 × 48 = 21 और ये हो जाएगा 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 46 घटाएंगे 2, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इजी ये क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का, रेलवे में हो या एसएससी में हो, जहां भी पूछे ट्रिग्नोमेट्री ही पूछा है। कोई आईआईटी का पेपर तो है नहीं कि एकदम खतरनाक सा क्वेश्चन पूछेगा, आपको सेकंडों में सॉल्व करने आना चाहिए।
उसी बिहा पे आपको देता भी है छोटा छोटा क्वेश्चन जो कि लड़के जानते हैं, इसमें भी गलती हो जाती है। तो जैसे क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 रूट साइन 90 माइनस थीटा, और मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 रूट कॉस थीटा, अब इधर इसको ले जाएंगे तो माइनस मिल जाएगा साइन थीटा 2 रूट कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, यह सब लिखने की उतना बताने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो रूट माइनस रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे यह अगर अंडर में तो अंडर में तो 10 थीटा हो जाएगा और रूट 2 माइनस 1। और यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, कॉट का रिवर्स कॉट पूछ रहा है, तो 10 का रिवर्स कॉट होता है, तो इसको रिवर्स में देखते हैं, लिखते हैं रिवर्स में लिखेंगे तो वन अपॉन रूट 2 माइनस 1, जो कि उसको हम रेशनलाइज करने में रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 रूट प्लस 1 और इसको करेंगे तो 1 आएगा, तो इससे कोई मतलब है नहीं। यार आप कहाँ गलती कर रहे हैं दोस्त, हाँ यहाँ यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, यहाँ पे तो ऑप्शन सही है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का मकसद यह है कि मैं कल वाले वीडियो में एक चीज बताना भूल गया था, एक ट्रिग्नोमेट्री आप ट्रेंगल का रेशियो याद कर लेंगे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन काफी इजी होगा तो सॉल्व करना। जैसे कि पी स्क्वायर 2PQ P² माइनस Q² अगर इन सबको याद कर लेते हैं, यहाँ पे थीटा है तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो सकते हैं आपसे। तो जैसे चलिए एक बार बेसिक से ही बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू 2, तो इसका हम रिवर्स लेते हैं -10 थीटा 1/2, अब सबको ऐड करेंगे तो इसे कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 2 sec थीटा और 2 इसको ऐड करेंगे 1/2 तो 4 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू 5/4। अब हमसे क्या पूछ रहा है, साइन अल्फा पूछ रहा है, साइन अल्फा वही थीटा ले लिए थे मैं, तो यहाँ पे ट्रिपलेट याद रहेगा तो यहाँ पे बेस आपको मालूम चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे sec के लिए होता है 5 4 ये 3, तो साइन के लिए हो जाएगा, साइन अल्फा के लिए हो जाएगा, थीटा के लिए हो जाएगा 3/5, 3/5 यहाँ पे देखिए पॉइंट में है तो पॉइंट में काट के 0.6 आएगा, इसको काटेंगे जब तो 0.6 आएगा। और इस फॉर्मूला के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, तो आपको जैसे देखिए अब साइन के लिए निकालना है आपको साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए P² माइनस Q² P² माइनस Q² अपॉन Q² प्लस P² प्लस Q², तो यहाँ पे P के लिए हम 2 ले लेते हैं और P को हम 2 ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये -1, Q को 1 ले लेंगे और उसके बाद अब P को 4 1 3/5, तब 0.6 आ गया। तो इस
अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहे तो इजीली में सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको बताने का ही एक मात्र मकसद था, तो आप लोग देखे समझे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप पुट करेंगे तो कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये एज्यूम करके ही मानना सॉल्व करना है आपको। तो चलिए कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, उस दिन कल के वीडियो मैंने एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, तो उसका आज कंसेप्ट फिर से बता देता हूं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू वाई, इस टाइप का कुछ कंसेप्ट दिया रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पे ये वैल्यू ए के लिए और बी के लिए ये हो जाएगा और एक्स के लिए ये हो जाएगा, वाई निकालना है तो वाई छोड़ देंगे और निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 हो जाएगा ए के लिए और 25 हो जाएगा बी के लिए, और एक्स दिया ही हुआ है तो 25 प्लस वाई स्क्वायर 25 से 25 कट जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा 9, तो वाई इक्वल टू 3। देखिए प्लस माइनस 3 आंसर, ये लेंदे नहीं पड़ेगा आप लोगों को। अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं हमेशा के लिए तो काफी इजी पड़ जाएगा। और देखिए यहाँ यहीं से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ ये लिखने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कभी इन द फ्यूचर अगर क्वेश्चन चंद सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। पैर टू में आया था 2015 में, साइन ए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ऐसे हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 माइनस को साइन स्क्वायर, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए, तो साइन ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां से हम देख लेंगे, देखिए यहां पे तो इसके जगह पे हम साइन को पुट कर सकते हैं साइन ए, और इसके जगह पे पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे आ गया। तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। देखिए काफी इजी में, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए भी कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है और पहले से ही जानते ही हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखें यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा जा सकता है साइन साइन 6, ठीक है साइन 6 लिख दिए, कॉस साइन, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे इसको साइन 5 थीटा लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है प्लस 3 साइन 4 थीटा, और इसको लिखा जा सकता है साइन 3 थीटा माइनस 1। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है इसको, प्लस 3 साइन 4 थीटा साइन थीटा, प्लस इसको लिखा जा सकता है 3 साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखा जा सकता है, वो एडिट सेम उतर जाएगा। अब देखिए, आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहे होंगे, जैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, थ्री ए बी, ए प्लस बी, उसी पे टूट गया। तो आप यहां से क्या करेंगे, साइन टू थीटा और साइन थीटा क्यूब लिख लेंगे, यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया, वन, और ये वन क्यूब है, वन माइनस वन जीरो, ऑप्शन वन। जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप ही को बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। आप अपने घर पे रूम में नोट कॉपी पे चेक करें और समझें। वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज करें, फिर समझें, या वीडियो को बार बार देखें, तब समझ में आ जाएगी। और कल के लिए मैं बता दूं, कल मैं सब लोग एक प्लस बी का फॉर्मूला रटते हैं, मैं कुछ टेक्निक से इसको याद कराने की कोशिश कराऊंगा। साइन बी कॉस ए, कुछ इस प्रकार, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, और ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूला है जो कि कल ड्राइव करूंगा और आप लोगों को याद कराने की कोशिश कराऊंगा। यहीं पे याद हो जाएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कल का वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। चलिए, जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक करते जाइए। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।